कोरोना ना जाने और क्या क्या दिखाएगा। जी हाँ, हम जिक्र कर रहे हैं पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीजन तक, वेंटिलेटर से लेकर अस्पताल में बेड तक की कालाबाजारी गोरख धंधा की खबरें आप देख चुके थे। ये हमारे और आपके जैसे ही लोग हैं जो लोग इस आपदा में भी अवसर तलाश कर रहे हैं और ऐसी घटना कर रहे हैं, ऐसी डिमांड कर रहे हैं जिसे देख कर, सुनकर आदमी सन्न रह जाता है। ठीक ऐसा ही एक वाक्य गुरुग्राम से आया है। दरअसल नॉर्थ ईस्ट का एक युवक जिसकी मौत हो गई थी संदिग्ध परिस्थितियों में, हालांकि उसके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि यह मर्डर था, लेकिन पुलिस उसे आत्महत्या मान रही है और हालांकि इस मामले की जांच कर रही है। वो व्यक्ति शव को लेकर दाह पोस्टमार्टम के बाद शव दाह संस्कार के लिए जाते हैं और गुरुग्राम के सेक्टर 17 इलाके में शमशान घाट है अतुल कटारिया चौक पर, उस शमशान घाट में उस शव को जलाने के नाम पर 15,000 रुपये की डिमांड की जाती है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऐसी परिस्थिति में जो लोग, जिनकी मौत हो रही है, जिनके पास पैसे की किल्लत, समय की किल्लत, सब चीज़ों की किल्लत है, ऐसे में भी ऐसे लोग हैं जो पैसे कमाना चाहते हैं और पैसों की ही डिमांड करते हैं। हालांकि जैसे ही उनके पास हमें इस बात की सूचना मिलती है और उनके पास आला अधिकारियों के फ़ोन जाते हैं, उसके बाद वो 5500 रेट पे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिसपे साफ साफ लिखा है कि प्रशासन ने, हरियाणा सरकार ने उसकी कीमत, शव के दाह संस्कार की कीमत 5,500 यानी 5500 रुपये तय कर रखी है। लेकिन ये लोग ज़्यादा कमाई के चक्कर में 15,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं केवल शव जलाने के लिए। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को शिकायत कर दी गई है और आइए आपको दिखाते हैं वहां की रियल तस्वीर और जो व्यक्ति वहां मौजूद है उसकी भी बातचीत उस पूरे वीडियो में मौजूद है। आप खुद देखिए और निर्णय कीजिए कि आखिर कोरोना काल में ये क्या हो रहा है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट से, हमारा एक लड़का का सुसाइड हुआ है और उसको लेके सारे पुलिस का काम करके, पोस्टमार्टम करके हम लोग यहाँ पे शमशान घाट में आए हुए हैं। और शमशान घाट में आने के बाद में ये शमशान घाट के ये लोग बोल रहे हैं कि 15,000 दो तभी दाह संस्कार होगा। ये कितनी गलत बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है एमसीडी ने क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है 5500 रुपया होगा अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित धनराशि, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। पर ये शमशान भूमि के लोग, यहाँ के जो भी लोग है, ये लोग यहाँ के उस पे है ऑफिस में, ये लोग 15,000 रुपये मांग रहे हैं। हम लोग एनजीओ से बिलोंग करते हैं और हम किसी इंसान का, किसी गरीब का हम लोग यहाँ पे दाह संस्कार, उसका फाइनल राइट्स करने आए। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि कोई भी इंसान मरने के बाद में अगर 15,000 नहीं हो, उसका दाह संस्कार नहीं होगा, उसका राइट्स नहीं है। आप मुझे बताइए किस हिसाब से 15,000 लगेगा, बताइए किस हिसाब से 15,000 लगेगा। लकड़ी है, सारा सामान है, उसके हिसाब से बता रहे हैं कितना लगेगा। लगभग एस्टीमेट बताया, कैसे लगभग एस्टिमेशन, वहाँ पे 5500 जनरेट होगा। नहीं, अभी आपने बोला, अभी क्या बोला इन्होंने, अभी 15,000 रुपए बोला, 5500, 4,000 रुपए लकड़ी का, 1500 रुपए किस चीज का बताया था, नहीं 1500 रुपए दक्षिणा है और 4,000 रुपए और सामान का करके 15,000 रुपए इन्होंने हमें बोला, कुल मिला के 15,000। तो मुझे हरियाणा का प्रशासन से, सीपी से यह पूछना है, यहाँ का पुलिस प्रशासन से यह पूछना है, मीडिया वाले से पूछना है, अगर गरीब के पास 15,000 रुपया नहीं होगा तो उसका राइट नहीं है, उसका अंतिम संस्कार का राइट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अगर राइट टू लाइफ दिया है तो डेथ के बाद में भी उसका फाइनल राइट्स करने का संविधानिक अधिकार है। तो आप लोगों का यहाँ के जो भी परिजन है, तो आप लोगों के यहाँ पे जो भी एम्प्लॉई है, जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन में, उनका आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये गलत बात है, ये लोग लूट रहे हैं, दिन दहाड़े इस तरह से लूट रहे हैं, इतनी छोटी छोटी सी चीजों पे लिए इन्होंने एक रिस्पेक्ट भी नहीं है, एक ह्यूमैनिटी भी नहीं है। और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कौन सा वाला ये है, ये एक लड़का दार्जिलिंग का लड़का का एक डेथ हुई थी, हमने लेके आए हैं, और ये है शमशान भूमि, ये वाला शमशान भूमि अतुल कटारिया चौक सुखराली का ये शमशान भूमि में है। ये लोग 15,000 मांग रहे हैं एक दाह संस्कार करने का, उनका दक्षिणा वो डिसाइड करेंगे। अगर किसी गरीब के पास दक्षिणा देने के लिए नहीं पैसा है तो वो कैसे करेगा, ये देखना चाहिए प्रशासन को। और जो यहाँ पे लिखा है
इन्होंने अंतिम संस्कार का इतना पैसा जो भी लिखा है 5,000 रुपये लिखा है, नहीं तो कार्रवाई किया जाएगा। हम यहाँ पे कंप्लेंट करने वाले हैं, क्या ये लोग इनके खिलाफ एक्शन लेंगे? हरियाणा प्रशासन इनके खिलाफ एक्शन लेंगे? अभी आप जानिए इनसे, इन्होंने कितना, आप बताए कितना डिमांड किया था इन्होंने, कितना डिमांड? इन लोग बोल रहे हैं 15,000, साढ़े पांच में होता है 15,000, 7,000 भी देंगे कोई दिक्कत नहीं समझ का, लेकिन ये तो 15,000 बोल रहा है। ये तो मैं तो पुलिस कंप्लेन करूंगी, ऐसा गरीबों को कितने को लूटे होंगे इन लोगों ने, जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा?